नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस्तर संभाग में कुल 2800 पोस्ट आने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बस्तर संभाग के माओवादी प्रभावित क्षेत्र में 2800 पद आने वाले हैं, जिस पर जो युवाओं की भर्ती होने वाली है वो बस्तर संभाग के सातों जिलों से युवाओं को भरा जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री के बजट में पारित हो चुका है और इसकी भर्ती कब होगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि बस्तर संभाग के 7 जिले होते हैं, जगदलपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो यहाँ के युवाओं को ये सुनहरा अवसर मिल सकता है अब तक की न्यूज़ में। और यहाँ पर इसकी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और इसके लिए क्या क्या मापदंड होंगे इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन युवाओं के लिए कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी ऊंचाई 153 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। उनको प्राथमिकता यहाँ पर दिया जा सकता है और यहाँ पर 100 मीटर, 100 मीटर और लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सब चीज़ जो खेल है वो आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पर एक खास बात और है, क्योंकि माओवादी प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग होना है तो यहाँ पर उन युवाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा जिसको बस्तर के स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें कितने कितने पद होने वाले हैं इसकी नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। चलिए अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर किस संभाग के लिए कितने पोस्ट हैं और किस किस पद के लिए कितने पोस्ट आने वाले हैं, संभावित पोस्ट है, ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर संभाग में कुल उप पुलिस अधीक्षक के एक एक पद आने वाले हैं सभी संभाग के लिए। तो इस प्रकार से 7 संभाग हैं तो 7 पद यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक के होंगे और यहाँ पर निरीक्षक के लिए 5-5, अर्थात सभी संभाग के लिए 5 पद है, अर्थात टोटल मिला के 35 पोस्ट होने वाले हैं। और उप निरीक्षक के लिए 8-8 पद निकल के आए हैं सभी संभाग के लिए, तो कुल 56 पद हैं। और सहायक उप निरीक्षक के लिए 11-11 पद हैं, अर्थात 77 पोस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। प्रधान आरक्षक के लिए 75-75 पद है और इस प्रकार से पूरे संभाग के लिए 525 पद निकल करके सामने आया हुआ है। और इसी प्रकार से जो मेन होता है आरक्षक, तो आरक्षक के पद के लिए सभी संभाग के लिए, एक संभाग के लिए 300, इसी प्रकार से पूरे 7 संभाग के लिए 300-300 पद निकल करके सामने आने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल आरक्षक के 2100 अर्थात 2100 पोस्ट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक, तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 2800 पोस्ट हो जाती है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इस पर कुछ भी कहना अभी असंभव होगा। दोस्तों, आपने YouTube में और सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे कहीं भी एक आदेश खूब वायरल हो रहा है, लेकिन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो जो उसमें डेट भी नहीं लिखा है और उसमें आपका साइन, जो अधिकारी का साइन होता है वो भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो आदेश जो है फेक है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ना तो तारीख है और ना ही आपका अधिकारी का साइन है। आपको क्या लगता है इस आदेश के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे तो ये पूरी तरह के तरीके से फेंक लग रहा है अब तक की स्थिति में, क्योंकि उसमें साइन होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, ऑफिशियल जो लेटर होती है उस प्रकार से लेटर नहीं निकला हुआ है। आपके मन में क्या चल रहा है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नए नए वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।